13 सितंबर नूं सवेर नूं तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे हुए बेअदबी घटना तो बाद सिख जथेबंदियां ते सिख संगतां वल्लों तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे लगाए मोर्चे तो बाद भावें श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सिख संगतां ते निहंग सिंह जथेबंदियां नूं गुस्से नूं शांत करन दे लई बीते दिनी तख्त श्री केसगढ़ साहिब दे हैड ग्रंथी अते मैनेजर की बदली कर दित्ती सी, परंतु इसके बावजूद निहंग जथेबंदियां ते सिख संगतां दा गुस्सा शांत नहीं होया। 22 सितंबर तो तख्त श्री केसगढ़ साहिब के निहंग जथेबंदियां ते सिख संगतां वल्लों लगाए मोर्चे के दूसरे दिन किरती सिख संघर्ष कमेटी ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के फैसले से नाराजगी दिखाई, जिस कारण सिंघा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को कड़े शब्दों में चेतावनी दे दी कि अगर 25 सितंबर तक तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार भाई रघवीर सिंह, SGPC मैंबर अमरजीत सिंह चावला, SGPC मैंबर प्रिंसीपल सुरेंद्र सिंह, मैनेजर मलकीत सिंह, हैड ग्रंथी फूला सिंह बेअदबी मामले में अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इस्तीफा ना दिता या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों इन्हों बर्खास्त ना किया गया, तो तरीक सिख संगत निहंग जथेबंदियां तख्त श्री केसगढ़ साहिब विखे वड्डा इकट्ठ करके इस उत्ते सख्त फैसला लैणगियां। हाँ जी बाबा जी, की नाम है, कड़ी जगह तो जी? असी जी ना तो गुरदीप सिंह है, वैसे इलाके च प्रचलित नौ भलवान सिंह सारे अपने वीर अपने पिंड नगर के ही हैं, मरिंडे के लवे नसलपुर पिंड है जी। बाबा जी की कहना चाहते, जिहड़ा अज मोर्चा फिर दुबारा लग गया है, बीबी जगीर कौर ने कहा कि सरकार का हाथ है पिछे, अज मोर्चा फिर लग्या गया है, बीबी जगीर कौर का हाथ है, खुद SGPC जी का इन्हों का हाथ है, उधर बीबी जगीर कौर इतने बयान दे के गई है साढ़े को, असी कानून हाथ में थोड़ा लेना सी, गोलका इन्हों के हाथ च, तख्त इन्हों के हाथ च, होर सब कुछ इन्हों के हाथ च, पर दोषी सज़ा देनी इन्हों के हाथ च नहीं है, इन्हों के अपने नाल 15-15, 20-20 गनमैन, 3-3, 4-4, 5-5 गड्डियां, गुरु साहब की सुरक्षा लई कुछ भी नहीं, आनंदपुर साहब की एक बीबी ने फड़िया, वो बीबी ने जफ्फी भर के फड़िया, ये कहने साड़ी टास्क फोर्स ने फड़िया, इस करके इन्हों आप कह दें सिखा का प्रबंध है, सिख नहीं है ये, मलेश खालसा, ये भी महाराज के वचन हुए वे, तो ये मलेश कट्ठे हुए वे मसंद, समझ गए, ये तो अपने सिखा के हाथ जो प्रबंध आऊगा तो ही कुछ सही तरीके सेवा चलूगी, नहीं तो ये काम होने तो हटने नहीं है। बाकी एक मैं होर कहना हूं, पंजाब 5-7-10 काम हो जाए, जो गाटे लै जा आपे रुक जाना, कम ने नहीं रोकना नहीं है, प्रशासन ने नहीं रोकना, इन मसंदा ने नहीं रोकना, ये हाँ जी। बाकी एक होर बेनती है, ये वीर साढ़े आनंदपुर साहब तो है, ये सरोवर साहब के अगे रात को नजायज़ शराब बिकती है, आ पुछो आ टेंकी है, ये पिछले पासे ठेके है, उत्थे नजायज़ शराब बिकती है, ये अकल दे अंधियां नूं दिसदी नहीं है, ये जिहड़े उरे प्रबंध करी बैठे तख्त साहब का, इन्हां नूं दिसदी नहीं वी आले दुआले की हो रहा है, आओ 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 देखो जिते पानी का प्यास है, प्यासा लग्या हुआ पानी पियाने हैं, और कूलर हैं जो वाटर कूलर हैं अपने फ्रिज हैं, और पिछे तो उदन तो बाद जिदों तो मोर्चा लगे अभी खुद बीड़िया के मंडल और अपना जरदे दुड़ियाँ चुकियाँ, इन्हों दिखदिया नहीं है, अकल देने जी, गोलक है महाराज ने कहा था ना गुरु की जहर, ये जहर है गोलकों की माया, ये माया जहर खा खा के मंदबुद्धि हो गए, ये अकल तो अन्ने हो गए। हाँ जी बाबा जी, अज का जो है कट रखा गया तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे, की कारण है, क्यों रखा गया, तो की जो है अज मते पास किए, ये जो कट है जी, एक गुरु ग्रंथ साहब की जी तख्त साहब के उत्ते किसी एक पंथ दोखी ने दुष्ट ने बेअदबी करने की कोशिश की सी, और संदर्भ के संगत 13 तरीक तो हुण तक मोर्चा लाई बैठे सी, तो पिछले दिन ही जोड़े पंथ के बड़िया शख्सियत जिहड़ियां निहंग जथेबंदियों के मुखी जथेदार बाबा बलवीर सिंह जी, जथेदार बाबा अवतार सिंह जी, बाबा गुरदेव सिंह जी, तो होर जिहड़े जथेबंदियों के मुखी है, वो इत्थे आए, उन्होंने सानूं कहा भी तुसीं 22 तरीक तक, क्योंकि 20 तरीक नूं असीं महाराज का प्रकाश कराना सी, 22 नूं भोग पैना सी, असीं उन्हां नूं आप जिहड़ियां मंगां है ये असीं उन्हां नूं दित्तियां सीगियां, सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह उन्हां नूं भी यही मंगां दित्तियां सी, ते उन्हां नूं ये कहा सी भी इन्हां ते कारवाई करा दो, जिहड़े श्रोमणी कमेटी का अदारा है, जिहड़े बंदियां दी कुताही करके ये जिहड़ी है घटना वापरी है, उन्हां नूं भी कोई ना कोई सज़ा मिलनी चाहिए, उन्हां दी जिम्मेवारी फिक्स करके जिहड़े जिहड़े बंदे दोषी है, जिन्हां करके जिन्हां ने ये जिहड़ी बेअदबी है ये जिन्हां करके होई है, जिन्हां ने ध्यान नहीं दिता जां जिन्हां दे प्रबंधां च घाट आ गई, उन्हां दी जिम्मेवारी फिक्स करके तुसीं उन्हां नूं भी जानी वो सानूं संगत नूं दस्या जावे किहड़े किहड़े बंदियां दी जिम्मेवारी बनती है ते उन्हां नूं की सज़ा देनी है, ते उह निहंग सिंह जथेबंदियां ने सानूं कहा सीगा भी जे तुसीं 22 तरीक तक समा दे दिओ, अगर 22 तरीक तक ये नहीं कोई गल करते बीबी जगीर कौर नहीं आएंगे, वो गल करनगे जो भी करने वाला, पर अज बीबी जगीर कौर ने कोई गल नहीं की, जिदा आए थे उदा ही उत्थे मत्था टेक के वापस मुड़ गए, तो जिहड़ियां जथेबंदियां दे मुखी है वह भी नहीं आए, उन्होंने सानू कहा असीं तुहाडे नाल बैठांगे, जिहड़े साडे मते है जिहड़े आपां पास कीते है उन्हां दे विच इक तां जथेदार साहब उन्हां दा अस्तीफा, हैड ग्रंथी साहब दा अस्तीफा,
दे जिहड़ा मैनेजर है इत्थों दा उहदा अस्तीफा, क्योंकि उहनां दी जिहड़ी उहनां दी किते ना किते प्रबंधां दी घाट करके जिहड़ी इह घटना हुई है। तो जिहड़े दोने श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के इत्थों दे मैंबर है उहनां दा भी अस्तीफा। ये संगत ने जिहड़ी है ये बेनती की है भी इन्हां दे इन्हां तों अस्तीफे लवे श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो दूजी गल की है भी जदों सवेरे सवेरे महाराज प्रकाश हुंदे है दरबार साहब दे विच भी मैनेजर और हैड ग्रंथी साहब का उत्थे जाना यकीनी बनाया जाए, तो 15 सिंह नाल होण शस्त्रधारी उत्थे दरबार साहब दे विच होने चाहिए। ये मते पास किए, एक मता होर पास किया भी सीसीटीवी फुटेज जिहड़ी है जिहड़ी उस दिन दी है सारे जिथे जिथे श्रोमणी कमेटी का जिवें थले लंगर हाल च नूं लैके गए उहनूं सारियां दी कैमरियां दी फुटेज जिहड़ी है वह जारी करके जां तां उह संगत नूं दित्ती जावे, संगत नूं दिखाई जावे, जानित कीती जावे, जां जे नहीं संगत नूं दिखाणी तां कमेटी वालिआं नूं दिखा दित्ती जावे, सानूं दिखाई जावे भी किहदी किन्ना कसूर है, किहने बेअदबी कीती, किहड़े सिंघां ने उहनूं रोकिआ विच, क्योंकि सुण च इह आ रिहा भी उत्थे कोई सिंघ मौजूद नहीं सी श्रोमणी कमेटी का, तां असीं इह कह रहे हां भी जिहड़ी प्रबंधां च कोताही होई है। ਇਹ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਆਏ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੇਮ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਲਾਈ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਤਾਈ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ 5 ਜਿਹੜੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਪਰ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਆਕੜ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੁਣੀ। ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਰਵੱਈਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰੀਆਂ ਪਛਾਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਦਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਟੈਕ ਆ ਗਿਆ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਆਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਹ ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈ ਡਿਟੈਕਟਿਵ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਪਾਪਾ ਮਹੋਰ ਸੁਰਮਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਜੀਵਰ ਸਿੰਘ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਦਲ, ਦਾਸ ਜਹੇਦਰ, ਬਾਬਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੁਆਰਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਐਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਲਾ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਲਾਣਾ ਖਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜਿੰਨੀ ਸੁਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਚਲੋ ਬਾਬਾ ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੰਪਰਦਾ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਸੁਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਾਜਿਆ, ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥਾਣੇ ਦਈਏ, ਸਾਡਾ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸਿਰਗਟ ਪੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਹਾਥੀ ਉਹਦੇ ਵੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਟਾਕਸ ਫੋਰਸ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਈਏ, ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਇਹ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਜ਼ਬੇ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਡਿਪਟੀ ਲਾਓ, ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 5-5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਵਿਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਬਾਕੀ
सानू यह सोचने की लोड़ है। जे अद्धा घंटा साढ़े को मुलजम रहा जिन्हें बेदबी की असी वो होर नहीं कुछ करते, जेड़े गुट ने बीड़ी पीती असी गोटी वो वढ़ देंगे गाँव में, यह तो पता लगता वो प्रशासन को देता हूँ। अं कहने प्रशासन जिम्मेवार है, प्रशासन बेसकू कसूर है, नहीं असी वध दोषी क्योंकि सानू प्रशासन को देना ही नहीं चाहिए। जे देंदे तो गुट वढ़ के देंदे, प्रशासन फिर जो मर्जी करता। सिंघा के परचे अगे भी बड़े होंगे, हुण भी होंगे आ। असी सनिहंग सिंह जथेबंदियां 5-6 जथेबंदियां दिल्ली संघर्ष के बैठे हाँ, सानू 10 महीने हो गए दिल्ली संघर्ष बैठे नूं, जिस कि 5 सनिहंग सिंह जथेबंदियां ने, बाकी कोई भी जथेबंदी नहीं पहुँची। बाकी निहंग सिंह जथेबंदियां भी सोचने की लड़ है, संपर्दावान भी जिथे असी बेदबी के दोषी सारे ही हैं। निहंग सिंह जथेबंदियां भी दोषी आ, संत समाज भी दोषी आ, क्योंकि असी अज तुसी देखो कौम नूं कित्थे खड़े करता। सरसे वाला पैदा असी किया निहंग सिंघां ने, साडीआं जथेबंदियां ने, संत समाज ने, जिथे असी अमृत के दो दो बाटे करते, लंगर दीआं दो दो पंगतां करतीआं। साडे निहंग सिंघां दे विच वी कई कुछ हो रहा, संत समाज से भी हो रहा। जे असी यही काम करांगे जिहड़े गरीब लोग कित्थे जाणगे, सरसे वाला पैदा करन च साडा बहुत वड्डा योगदान है। भनियारे वाला किन्ने पैदा किया असी किया, आसू तोश किन्ने पैदा किया असी किया, जदों असी दो दो बाटे करते हैं, दो दो लंगर की पंगता करते हैं, गरीब लोग कित्थे जाणगे। दो दो शमशान घर बनाते पिंडा दे, चार चार बनाते, गुरु घर चार चार बनाते, क्यों बनाता है? यह श्रोमणी कमेटी नूं, सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं भी यही करना चाहिए, केसगढ़ साहब के जहेदार बीबी जगीर कौर भी यही अपील करते हैं भी तुसी ये चीज़ पर विचार जरूर दो। जिहड़े दो दो बाटे अमृत दे किते जांदे आ, तुसी क्यों नहीं उन्हां बारे सोचते? लंगर दीआं दो दो पंगतां कीतीआं जांदीआं, खास करके निहंग सिंघ जथेबंदियां च बहुत ज़्यादा कीतीआं जा रही है, कई संत समाज च भी कीतीआं जा रही है। दसो तुसी ये बेअदबी नहीं गी? गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने यही खालसा साजिआ सी, साडी इन्नी जमीर मर गई भी असी पंजाब दे विच रह के ये कुछ कर रहे हैं, असी दो दो बाटे अमृत से कर रहे हैं। बेदबियां तो वधनी है, बेदबियां तो रुकनी है। असी नवें जूथ नू नवा समाज सिरजीए, त्यार पर त्यार हरीर सिंह नलवे के वारस बनीए, भाई तारू सिंह के वारस बनीए, बंदे बहादुर के वारस बनीए। सानू जिहड़ा बंदा बेदबी करदा पांच पांच चार चार इहो सिंह छड्डो तुसी जथेबंदियां भी, उहदा सिर कलम कर दो, दोवें गुट वढ़ दो, उहदे नाम रखिया जाए। जिहड़ा बंदा बेदबी करदा उहदे गुट वढ़ो, उहदे परिवार नूं ते जमानत दा सारा खर्चा श्रोमणी कमेटी करे, नहीं तां निहंग सिंह जथेबंदियां करना असीं तैयार है करन। श्री आनंदपुर साहिब तो सज्जन सिंह सैनी दी जीरो लाइन टीवी दे लई रिपोर्ट।